हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश एक्सप्लेनर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसको लिखा है जॉन कीट्स ने। नाउ लेट अस बिगिन विद द पोएम। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि ये जो ब्यूटी है, ब्यूटी की जो थिंग होती है, ब्यूटी की थिंग का मतलब है नेचर। तो पोएट नेचर की थिंग्स के बारे में कह रहे हैं, जैसे कि सन, मून, ट्रीज, फ्लावर्स। तो इन सब के बारे में क्या कहते हैं, ये जो थिंग्स हैं ब्यूटी की, ये ऐसा जॉय देती हैं जो कि इटर्नल होता है, जो कि फॉरएवर होता है, नेवर एंडिंग जॉय। और टाइम के साथ साथ इसकी जो लवलीनेस है, इसकी जो ब्यूटी है, वो इंक्रीज ही होती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। और ये जो ब्यूटी है कभी भी नथिंगनेस में कन्वर्ट नहीं होती, मतलब इसकी जो ब्यूटी है कभी भी फेड नहीं होती है। Then poet says, but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. और ये जो beauty है, जैसे कि ये tree है, तो यहाँ poet कहते हैं bower. Bower का मतलब होता है एक shady place. तो tree के नीचे हमें जो shade मिलती है, तो ये shade कितनी ज़्यादा quiet और peaceful और soothing होती है, relaxing होती है, कि अगर इस tree के नीचे कोई एक sleep लेगा तो उसको स्वीट ड्रीम्स आएंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से ड्रीम्स आएंगे। उसकी जो हेल्थ है वो भी गुड हेल्थ रहेगी। और क्वाइट ब्रीदिंग का यहाँ पर मतलब है कि जो ब्रीथ लेगा वो भी बहुत ही ज्यादा क्वाइट होगी। तो क्वाइट यहाँ पर क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, बहुत ही ज्यादा सूदिंग और रिलैक्सिंग ब्रीदिंग करेगा वो। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी ब्रीदिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। अब पॉइंट कह रहे हैं कि मोरो का मतलब होता है मोमेंट या फिर द फॉलोइंग डे। तो अब यहाँ पर पॉइंट ये कहते हैं कि ये जो नेचर की जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि सन हो गई, बर्ड्स हो गई, इंसेक्ट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ग्रासेस हो गए, फ्लावर्स हो गए, ट्रीज हो गए, मून हो गया, स्काई हो गया, ये सारी चीजें नेचर की जब हमें सराउंड कर लेती है, हमें इनसर्कल कर लेती है, तो हमारी जो डिजायर है जीने की वो और ही ज्यादा बढ़ जाती है। और ये जो फ्लावरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं, फ्लावरी बैंड का मतलब जितने भी फ्लावर्स और फ्लावरी ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, वो हमें एक रीजन देते हैं अपनी लाइफ को और आगे अच्छे से हेल्दी वे में जीने का। देन पॉइंट सेज, स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डार्क ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल अनहेल्दी and over-darkened ways made for our searching. तो पॉइंट का यहाँ पर despondence का मीनिंग है hopeless. तो पॉइंट यह कह रहे हैं कि जो inhuman लोग होते हैं, inhuman का मतलब ऐसे लोग जो cruelty वाले लोग होते हैं, जिनमें कोई sensitiveness नहीं होती है, feelings नहीं होती है, बिल्कुल cruel होते हैं। और noble natures का यहाँ पे मतलब है अच्छे लोग। तो पॉइंट कहते हैं कि जब nature में beauty की thing नहीं होंगी, तो कैसा हो जाएगा, lack of good people, अच्छे लोगों की कमी हो जाएगी और cruelty वाले लोगों का बढ़ावा होगा, वो ज्यादा आपको मिलेंगे। Of the gloomy days, और gloomy days का मतलब sad वाले, sadness वाले days आ जाएंगे, unhealthy human beings हो जाएंगे और over darkened ways, over darkened का ways का यहाँ पर ये मतलब है कि जो भी cruelty वाले humans हैं, उनके होने से जो ways हैं, जिंदगी जीने के जो तरीके हैं, वो भी darkened हो जाएंगे और अच्छे लोगों की कमी हो जाएगी। Made for our searching. तो यही पॉइंट कहते हैं कि इस तरह से अगर थिंग ऑफ ब्यूटी नहीं होगी किसी भी जगह पे, तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होगी, लोगों को पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से लैक ऑफ नोबल नेचर्स या फिर नोबल यानी कि जो अच्छे लोग होते हैं उनकी कमी हो जाएगी और बुरे लोग, क्रूअल लोग ज्यादा मिलेंगे हमें, जिसकी वजह से हमारी जो लाइफ है नेचुरली सैड, फुल ऑफ सैडनेस हो जाएगी, ग्लूमी डेज होंगे हमारे, ग्लूमी मोमेंट्स होंगे, और ग्लूमी मोमेंट्स के चलते हमारी जो हेल्थ है वो भी अफेक्ट होगी, जिसके चलते हम कैसे हो जाएंगे, अनहेल्दी हो जाएंगे। देन पॉइंट सेज, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द फॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। तो यहाँ पर पॉइंट कहते हैं यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सबके होने से, मतलब जितने भी ये जो ब्यूटी के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ब्यूटी की जो थिंग्स होती है, यहाँ पर सारी ब्यूटी की थिंग्स है इस पिक्चर में, जैसे कि एनिमल्स है, हर तरह के फ्लावर्स है, ट्रीज है, रिवर है और सनलाइट भी आ रही है, तो इस तरह की हर छोटी से छोटी चीज नेचर की यहाँ पर है और बड़ी से बड़ी चीज है। तो पोएट कहते हैं कि ये जो नेचर की चीजें होती है, ये क्या है, ये ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड है।
और ये इतना ब्यूटीफुल क्रिएशन है कि अगर ये क्रिएशन हमारी अर्थ पे है तो यहाँ पर कोई भी सैडनेस नहीं होगी। ये क्रिएशन सैडनेस को रिमूव करती है। पैल का मतलब होता है सैडनेस, तो सैडनेस को मूव अवे करती है ब्यूटी फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स। और कहाँ से मूव करती है इसको? हमारी जो सोल होती है, सोल के अंदर जो सैडनेस होती है, हमारा जो माइंड है विच इज फुल ऑफ सैडनेस, उसमें से इस सैडनेस को थिंग ऑफ ब्यूटी रिमूव करती है। Then poet says, such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep. तो अब poet यहाँ पर क्या कह रहे हैं? वो list out कर रहे हैं कि क्या-क्या चीजें हैं जो a thing of beauty का part है। तो वो कहते हैं sun है, moon है। यहाँ पर sun देख सकते हैं, moon देख सकते हैं, trees देख सकते हैं। हर तरह की trees, चाहे वो old हो या फिर young हो या फिर नए-नए sprout हुए हो, मतलब नए-नए develop हो रहे हो। और स्प्राउटिंग का मतलब ये भी होता है कि एक लार्ज नंबर में डेवलप होना। शेडी बून, शेडी का मतलब इन ट्रीज की जो शेड होती है वो क्या है? वो एक बून है, मतलब एक तरह का वरदान है। तो ये जो ट्री की शेड है वो वरदान क्यों है? क्योंकि ये शीप्स को, यानी एनिमल्स को, सिंपल शीप्स को एक बहुत ही प्यारी नींद देते हैं, उनके लिए ये बेनिफिशियल है। तो ट्रीज की जो शेड होती है वो एक बून है, एक ब्लेसिंग है, और ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि क्रिएशन ऑफ नेचर कितना हमारी किस तरीके से हेल्प करते हैं। फॉर सिंपल शीप, अब पोएट कहते हैं एंड सच आर डेफोडिल्स। अब जैसे कि वो कुछ फ्लावर्स के नाम लेते हैं, जैसे कि डेफोडिल एक तरह का फ्लावर होता है विच इज हियर, और ये जो फ्लावर है इसके आसपास बहुत सारी ग्रीनरी होती है, मतलब इसकी जो लीव्स होती है, तो यही कहते हैं जो डेफोडिल्स हैं, डेफोडिल्स के जो फ्लावर है ये क्या है? पूरे ग्रीन वर्ल्ड में, ग्रीन वर्ल्ड से कवर है, उसमें ग्रीन वर्ल्ड में ये लिविंग करते हैं, मतलब उसमें रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स, रिल्स का मतलब होता है स्ट्रीम, और क्लियर क्या है? रिल्स है, स्ट्रीम है। दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कोवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। तो अब यहाँ पर पॉइंट कह रहे हैं, कोवर्ट का मतलब होता है नॉट ओपनली नोन, जिसको हमें एक्चुअल में नहीं पता होता। तो पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये जो समर के टाइम पे ये जो रिवर्स होती है, रिल्स होती है, ये क्या करती है? हॉट सीजन को, अगेंस्ट हॉट सीजन हमें कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है। तो डेफोडिल्स के फ्लावर्स हमें बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस देते हैं, ग्रीन वर्ल्ड में वो रहते हैं। एंड यू इमेजिन कि आप ऐसे स्ट्रीम के आसपास कहीं बैठे हो और स्ट्रीम के आसपास बहुत सारे डेफोडिल्स के फ्लावर्स हैं, तो आपका और इनकी फ्रेग्रेंस आपको आ रही है, आपको ये रिल्स में भी बहुत ही ज्यादा ठंडक महसूस हो रही है, तो नेचुरली योर बॉडी एंड योर सोल will be happy, it will get peace. Then poet says, mid forest break with a sprinkling of fair musk rose blooms. तो अब यहाँ पर poet क्या कह रहे हैं कि अब ये जो musk का मतलब होता है जो baby pink color की roses होते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर अब poet ये कह रहे हैं कि, और यहाँ पर ये जो फॉरेस्ट ब्रेक है, ब्रेक का मतलब होता है अ प्रोसेस ऑफ स्लो डाउन। तो पॉइंट कहते हैं कि क्योंकि ये जो इस तरह से पूरे फॉरेस्ट है जिसमें मस्क रोसेस हैं, मस्क रोज मतलब बेबी पिंक कलर के जो रोसेस हैं, ये कितना ज्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। तो वो कहते हैं जो फॉरेस्ट है जिसमें बहुत सारी बुशेज होती है, मतलब छोटी छोटी फर्न्स होती है, बुशेज होती है, मॉस मिलती है, इस तरह की जो भी फॉरेस्ट के इतने सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये सब मिलते हैं, ये सब क्या करते हैं? ये ब्यूटी को स्प्रिंकल करते हैं, उसे ब्लूम करते हैं। और ये जो फ्रेग्रेंस है बेबी पिंक रोसेस की, ये भी बहुत ही ज्यादा ब्लूमिंग इफेक्ट देती है, बहुत ही अच्छा मूड कर देती है। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड और लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड। अब पोएट यहाँ पे कहते हैं कि इन सब के अलावा, ये सारी ब्यूटी थिंग्स के अलावा और क्या क्या चीज है जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, जिनकी जो जॉय है वो फॉरएवर इटर्नल है। वो ये कहते हैं ये जो ब्रेव मैन होते हैं, जो भी सोल्जर्स होते हैं, इनका जो ग्रैंडियर है, इनका ग्रैंडियर का मतलब ये बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड ब्यूटी देते हैं आपको। कि अगर आपने देखा है कि आप किसी भी ब्रेव मैन की स्टोरी सुन रहे हो अगर, या फिर आपने उसकी सेक्रीफाइस की स्टोरी सुनी, तो ये सारी चीजें क्या है? ये भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। इन लोगों की स्टोरी सुनना, इन लोगों का सेक्रीफाइस के बारे में जानना, ये भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी है और हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक
pouring unto us from the heavens bring. तो अब यहाँ पर poet क्या कह रहे हैं? An endless, endless का मतलब again never ending or eternal joy. तो poet क्या कहते हैं कि ये जो all these, ये जितनी भी सारी beauty की thing है, beautifying चीजें हैं, जैसे कि ये सब nature का part है, इस picture में हम देख सकते हैं, all these things are belongs from nature. ठीक है, तो ये सारी चीजें नेचर से बिलोंग करती हैं, दे आर ऑल लाइक अ नेक्टर. ठीक है, तो पॉइंट कहते हैं कि ये सारी चीजें गॉड का गिफ्ट है हमारे लिए, इट इज अ ब्लेसिंग फॉर अस, और ये हेल्प करती है हमें अपनी लाइफ को अर्थ पे बहुत ही पीसफुल वे में लीड करने के लिए. तो एक्चुअल में हेवन का ब्रिंक का मतलब है ऐसी, यहाँ पर हेवन स्प्रिंग का मतलब है हेवन का जो डोर है, तो वहां से गॉड ने ये सारी चीजें पोर करी है, पोर मतलब ऊपर से नीचे यहाँ पर शेड करी है हम लोगों के लिए. और ये क्या है, एक तरह का इमॉर्टल ड्रिंक है. नेचर के सारे ऑब्जेक्ट ऐसे ड्रिंक है जो कि इमॉर्टल है, जिसकी कभी एंडिंग नहीं हो सकती, और एक तरह का फाउंटेन है जो कि नेवर एंडिंग है. सो वी शुड अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ नेचर, और हमें इसमें अपना पीस देखना चाहिए. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पोएम. इफ यू लाइक माई वीडियो, लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.